कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने पर ही नहीं, इंसान के काटने पर भी एंटी रैबीज इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आप संक्रमण का शिकार होकर गंभीर बीमारी को दावत दे सकते हैं। बीते कुछ महीनों में जिला अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने आए करीब 25 लोगों को मारपीट के दौरान दूसरे ने दांत से काट लिया था। इस संबंध में जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अगर कोई इंसान बीमार है, उसे बैक्टीरियल संक्रमण है और उसने दूसरे व्यक्ति को काट लिया तो उसके लार से दूसरा इंसान संक्रमित हो सकता है। कई मामलों में जानवर से ज़्यादा इंसानों का काटना खतरनाक होता है। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि एक इंसान दूसरे को काटता है तो हेपेटाइटिस बी सी, टिटनेस, रेबीज, HIV और हर्पीस, होंट के आसपास दाने निकल जाना जैसी बीमारी का डर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एंटी रैबीज इंजेक्शन का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। एक बार इंजेक्शन लगवाने पर 6 माह तक किसी भी जानवर या इंसान के काटने का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, यदि काटता है तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना बिल्कुल ही अनिवार्य है, लेकिन यदि मनुष्य काटता है मनुष्य को तो यह मान के चला जाता है कि उस सामान्य अवस्था में नहीं काटता है, और यदि उस मनुष्य को पूर्व में कुत्ते ने काटा है, वो रेबीज से इन्फेक्टेड है और उसका लार मनुष्य के ब्लड में संक्रमित हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन तो अनिवार्य रूप से लगाते ही हैं। लेकिन यदि सामान्यतः भी यदि काट लेता है तो यह मानते हुए कि यह सामान्य अवस्था में नहीं काटा है, उसे एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा देते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने से जिसे भी हम वैक्सीनेशन देते हैं 6 महीने के लिए, उसे कम से कम इम्यून कर देते हैं रेबीज वैक्सीन के लिए। उसे बाकी 6 महीने तक भी यदि जानवर काटते हैं, कुत्ता काटता है या बंदर काटता है, तो उसे प्रोटेक्शन मिलता है उसका। और ह्यूमन बाइट से अन्य बीमारियां भी फैलती हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी सी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, टिटनेस हो सकता है, HIV का भी संक्रमण कई बार कई जगह डॉक्यूमेंटेड है, रेबीज के भी होने की संभावना होती है। WHO द्वारा प्रमाणित नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली संभव है कि हो सकता है। सर, जिला अस्पताल में अब तक मतलब कुछ ऐसे मरीज देखने को मिले हैं जिनको ये इंजेक्शन लगाया गया मनुष्य को मनुष्य काटने के बाद? महीने में 1-2 तो केसेस इस तरह से आ जाते हैं जिन्हें हम लोग एडवाइस करते हैं। सर, क्या इसका नुकसान भी है इस इंजेक्शन को लगाने का? नहीं, नुकसान नहीं है, फायदा ही है।